अब देखो मैं प्लस माइनस टच करने जा रहा हूँ दोस्त, देख अगर मान लो यही कमा। दोस्तों आज इन मित्र का सवाल है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। चैप्टर में अक्सर मतलब ये वर्ड आते हैं शॉर्ट सर्किट वाले, है ना जी। ये समझना चाहते हैं क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा, रिस्की प्रैक्टिकल है, आराम से देखना क्या होता है, समझ जाओगे क्या होता है शॉर्ट सर्किट और हम मतलब कि इससे कैसे मतलब कि अपने डिवाइस को खराब होने से बचा सकते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे दोस्त, देखो पहले इसको जानने के लिए आप जानो पहले है फ्यूज वायर, मतलब पहले फ्यूज है, फ्यूज के अंदर क्या है फ्यूज वायर, मतलब कि यार बहुत पतला वायर होता है एक, जान जाओ आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि फ्यूज वायर किन से मिलके बना होता है, ठीक है। फ्यूज वायर बहुत पतला होता है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ पहले, ये देखो मेरे पास ये दो तार गए हुए हैं और एक यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत पतला यानी कि इनको आप फ्यूज वायर कर सकते हो, अगर आप मान लो आपके पास फ्यूज वायर न हो, दुकान पे जाना का मन ना करे, इतना पतला वायर लगा लो यार ये फ्यूज वाला काम करेगा। अब होता क्या है दोस्त, मान लो इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने इनको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती। अब भैया इनको जोड़ो यार, तो आप देख रहे हैं कि पतला सा वायर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है बोलो, जल रहा है ये बल्ब दोस्तों, जल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो होता है क्या शॉर्ट सर्किट क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बल्ब को पहले निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान पूर्वक, ये है बड़ा रिस्की वीडियो दोस्त, लेकिन इसको देखो। अब दोस्त इसमें करना क्या है जानते हो, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है प्लस और माइनस वाले वायर आपस में अटैच हो जाते हैं, इसके होने से करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब करंट ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइस क्या हो जाएगा, जल जाएगा। प्लस और माइनस अगर मुझे टच करना है दोस्त तो हम भी थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्यों भाई। अब देखो मैं प्लस माइनस टच करने जा रहा हूँ दोस्त, देखो अगर मान लो यही कमाल, बहुत ध्यान से देखना, जब प्लस माइनस टच हो जाते हैं तो करंट परिपथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब परिपथ में करंट ज़्यादा हो जाता है दोस्त ना, तो डिवाइस कोई लगा होगा ज़्यादा करंट को सह नहीं पाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूज वायर वाला काम क्या है, पतला सा होता है, जब भी करंट ज़्यादा होगा आपके मतलब आपके डिवाइस ही जलने से पहले ही जल के टूट जाएगा, जब जल के टूट जाएगा तो परिपथ का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और जब परिपथ का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और आपकी डिवाइस बच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट क्या होता है और फ्यूज क्यों लगाया जाता है और फ्यूज का वायर पतला क्यों होता है। बट कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्त, ये फ्यूज के वायर बने किसके होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।